तो हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें। तो चलिए बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर को सर्कस मूवी रिलीज हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें मुख्य किरदार के रूप में रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े स्टार हैं और फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है, जो गोलमाल, सूर्यवंशी, सिंघम जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। यह एक मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह पहली बार डबल रोल में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी दो जुड़वा भाइयों की है जिन्हें एक डॉक्टर दो अलग अलग परिवारों को सौंप देता है। डॉक्टर साबित करना चाहता है कि मायने खून के नहीं बल्कि परवरिश के होते हैं। एक भाई सर्कस वालों के पास जाता है और दूसरा भाई आम परिवार में। सर्कस में गए भाई को करंट नहीं लगता, जिससे उसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक मैन। यह फिल्म बिना लॉजिक की कहानी और डायलॉग से बोरिंग लगती है। सर्कस स्टार कास्ट का मेला भी नहीं कर पाया इम्प्रेस। आपको बता दें कि इस फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ से ऊपर की कमाई की है और सेकंड दिन 7 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। हालांकि इस फिल्म को देखकर और इसके कमाई देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये फिल्म फ्लॉप जाएगी, क्योंकि लोगों को इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लग रही है। तो आपके विचार के अनुसार अब बताइए, मूवी फ्लॉप जाएगी या हिट होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए पैसे के लिए पार्टियों में परफॉर्म करने वाले स्टार्स पर तंज कसा है। दरअसल कंगना ने एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है जिसमें सिंगर आशा भोसले कहती है कि उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने कभी भी किसी शादी या पार्टियों में परफॉर्म नहीं किया। अब इसे शेयर करते हुए कंगना ने कहा है कि वो लता दीदी के आदेशों पर चल रही है और उनके जैसे बनना चाहती है। कंगना रनौत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मैं सहमत हूँ, भले ही मेरे पास सबसे हिट गाने हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी शादी या प्राइवेट पार्टी में डांस नहीं किया है। मैंने ढेर सारे पैसों का ऑफर भी ठुकराया है। इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लता जी, वास्तव में आप बहुत प्रेरणादायक है, आदर्श है। मैं आपसे हर समय बहुत कुछ सीखती हूँ। हाल ही में ही आपको बता दें कि बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन जैसे टैलेंटेड नहीं है और उनके जैसे कभी नहीं बन सकते। तो इसके जवाब में अभिषेक बच्चन ने कहा कि तस्लीमा का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि टैलेंट या किसी भी चीज़ में वो उनके पिता के आसपास भी नहीं है, वो बेस्ट है और बेस्ट ही रहेंगे। अभिषेक बच्चन के इस बढ़िया रिप्लाई का सोशल मीडिया पर यूजर्स काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और यूजर्स का कहना है कि अभिषेक भले ही अपने पिता जैसे ना हो, लेकिन उनका काम कई बॉलीवुड एक्टर से बेहतर है और वो बहुत भी टैलेंटेड है। तो वो अपने पिता जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, बॉलीवुड के और स्टार जैसे बहुत अलग है और बहुत टैलेंटेड है।